कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते मोहल शहरी ढोंग और सराज गांव के लोगों को गर्मियों के आरंभ में ही पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन गांव के लोगों की मांग है कि उनके लिए बन रही उठाऊ पेयजल योजना का कार्य तुरंत पूरा किया जाए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। एरिया 8-10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। बलटू में कभी पानी आता ही नहीं है। हमारे एरिया में यहाँ पे कोई पानी नहीं है, खाने बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, गाय पिलाने के लिए भी नहीं और ना ही कपड़े धोने के लिए। एरिया में 200-250 घर है, इसमें यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। हमारे को दिक्कत हो रही है कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए और गाय को पानी पिलाने के लिए। हमारे विभाग से ये मांग है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता अमित ने कहा कि स्रोत पर पानी कम हो जाने के कारण ये समस्या आई है और इसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक तो मुझे आप लोगों से मिली थी सबसे पहले तो, और उसके बाद मैंने अपने एसडीओ और जेई को भेजा था वहाँ पे साइट पे विजिट के लिए, तो वो वहाँ पर जाके आ गए हैं और वहाँ के प्रधान से मिलके भी आए हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि सराज में तीन एरिया पड़ते हैं बेसिकली, सराज अपर, मिडल एंड लोअर। तो लोअर में ज़्यादा दिक्कत है उसमें, तो उसमें मेन दिक्कत ये आ रही कि क्योंकि आजकल थोड़ा सा बारिश भी नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, और उसकी वजह से थोड़ा सोर्स पे डिप्लेशन पानी का पाया गया है। तो उसके लिए कल जो हमारे जेई और प्रधान वगैरह की मीटिंग हुई उसमें, तो उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पर व्हील लगे हैं पीछे कंट्रोलिंग की, बट आजकल थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर का भी इनका चला है, तो उसकी वजह से वो लोग पानी को थोड़ा सा स्टोरेज होने नहीं दे रहे हैं गांव वाले बीच में। तो इसमें हम जेजेम के अंडर एक स्कीम है हमारी ब्रार बुलंग, तो उस पर इनको जोड़ने का प्रावधान है जिसका कि अभी राइजिंग मैन का काम चल रहा है।